मीडिया ग्राउंड जम्मू में भगवान जगन्नाथ जी के सप्ताह का आयोजन पुष्पेंद्र सिंह चरक जी और उनके साहित्यकार द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें काफी भारी संख्या में भक्त आए जिन्होंने सुंदर दृश्य का लाभ उठाया। मेरा नाम श्याम सिंह है, जहाँ पे कल से अपना श्री जगन्नाथ की सुखी जे 9 दिन तक लगातार जे काम ऐसे ही चलता रहेगा। जय जगन्नाथ। जैसे कि कल आपको पता है कि कल जगन्नाथ जी यात्रा जैसे पुरी में निकली थी, उसी के तर्ज पे हमने त्रिकुटा नगर से कल जगन्नाथ जी यात्रा निकाली थी। त्रिकुटा नगर से होते हुए, ये नई बस्ती से होते हुए, गांधीनगर से वापसी होते हुए छन्नी हिम्मत में रामलीला ग्राउंड में आज जगन्नाथ जी विराजमान है। जगह है वहाँ पे जगन्नाथ जी 7 दिनों तक रहते हैं, उसी तरह जगन्नाथ जी रामलीला ग्राउंड में भी 7 दिनों तक विराजमान होंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में भक्त जन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मैं सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ रामलीला ग्राउंड और भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जब भी जिस दिन हर साल जैसे पूरी में यात्रा निकलती है, हम हर साल हमारी यात्रा निकलती है, ये हम लगातार 3 सालों से ये यात्रा है। और ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो है ये त्रिकुटा नगर साउथ एक्सटेंशन में स्थित, वहाँ जाकर भी आप जगन्नाथ जी का आशीर्वाद। भगवान की जय। और बड़ी खुशी का विषय है, भगवान जगन्नाथ की असीम अनुकंपा है, कृपा है। यहाँ पर जम्मू के अंदर छन्नी हिम्मत में सेक्टर 2 में बहुत ही भव्य आयोजन जारी है। कल 7 जुलाई को यात्रा निकली थी त्रिकुटा नगर, जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, वहाँ से भव्य यात्रा रही। और ये उसके बाद यहाँ आज कार्यक्रम शुरू हुआ है भजन कीर्तन का, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में, और श्री पुष्पिंदर चाड़क जी के द्वारा ये सारी व्यवस्था, ये सारा आयोजन उनकी अध्यक्षता में जारी है, किया जा रहा है। और आज हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालुगण उपस्थित हुए हैं इस भजन संध्या के कार्यक्रम में, जिसका आयोजन, जिसकी प्रस्तुति दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा की जा रही है। परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या साध्वी जयंती भारती जी के द्वारा सुंदर भजनों का और प्रवचनों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है मंच से। सारी संगत अत्यंत उत्साहित है, बड़ा सुंदर माहौल है। और सभी जम्मू निवासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भगवान जगन्नाथ जी, उनकी यात्रा का फल है यह कार्यक्रम। सभी आकर यहाँ पर लंगर प्रसाद भी प्राप्त करें और साथ में ऐसे भव्य आयोजनों में जरूर शामिल होना चाहिए, इनका लाभ लेना चाहिए। साध्वी जी के द्वारा आज इस कार्यक्रम के दौरान, भजन संध्या के दौरान, बड़ा सुंदर संदेश दिया जा रहा है, सभी को जागृत किया जा रहा है और सभी बड़े आनंदित हैं, उत्साहित हैं और बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सभी भक्तों को जय श्री राम, भगवान जगन्नाथ की जय।